एक माँ जिसने नन्ही सी जान को जन्म दिया, लेकिन नवजात ने दुनिया में आने के कुछ पल बाद ही सभी को अलविदा कह दिया। सोनीपत के नागरिक अस्पताल में डिलीवरी के लिए लाई गई कोरोना संक्रमित महिला ने मुख्य गेट पर कार में ही बच्चे को जन्म दिया, लेकिन जन्म देने के बाद बच्चे की मौत हो गई। इसके बाद महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुछ देर बाद महिला ने भी दम तोड़ दिया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कोविड प्रोटोकॉल से महिला का अंतिम संस्कार कराया। ये जो एक पेशेंट है हमारे पास 32 वर्षीय है, ये गांव जखोली से रात को 8 बजे आई थी, तो ये सीवियरली एनीमिक थी और जो इसकी इंट्रायूटराइन डेथ है ये पहले हो चुकी थी। तो ये पेशेंट हमारे पास है ना बहुत लेट पहुंची है, तो उसके बाद में जो हमारी लेडी डॉक्टर थी उन्होंने जो है आईओडी इनका जो है अबॉर्ट कर दिया था, और उसके बाद में जो है सीवियरली एनीमिक थी, इसको ब्लड भी लगाया और मगर बहुत सारे एफर्ट के बाद में रात को इसकी डेथ हो गई। और इन्होंने पहले उनसे कोविड की रिपोर्ट भी मांगी थी, मगर जो अटेंडेंट थे वो टाल मटोल करते रहे, उन्होंने रिपोर्ट नहीं दिखाई। मगर बाद में डॉक्टर के ज़्यादा फोर्स करने के बाद में जब पता किया तो वो कोविड पॉजिटिव निकली और उसकी डेथ हो गई। बच्चे की भी डेथ हुई सर? हाँ, बच्चा तो पहले से ही इंट्रायूटराइन डेथ से पहले आने से ही पहले यहाँ पर डेथ हो चुकी थी। बच्चे ने एम्बुलेंस में ही डिलीवरी हुई थी उसकी महिला की? उसकी जो डिलीवरी पर्सनल व्हीकल था उनका अपना, उसी में पहले से ही वो लेट पहुंचे, पहले ही डेथ हो चुकी थी। डिलीवरी गाड़ी में होगी थी? हाँ। 32 वर्षीय कोरोना संक्रमित महिला का करीब एक महीने से उपचार नागरिक अस्पताल में चल रहा था। एक सप्ताह पहले दर्द शुरू होने पर उसे अस्पताल में लाया गया, वहाँ से मेडिकल कॉलेज अस्पताल खानपुर रेफर कर दिया गया, मेडिकल से फिर नागरिक अस्पताल भेज दिया गया। डॉक्टरों ने बताया कि प्रसव एक सप्ताह में होगा। 19 अप्रैल को पत्नी का कोविड-19 सैंपल लिया गया, 21 अप्रैल को रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वहीं पत्नी की हालत खराब देखकर अस्पताल लाया गया, लेकिन अस्पताल के गेट के पास उसने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन माँ और बच्चे दोनों ने दुनिया को अलविदा कह दिया। सोनीपत से पवन राठी, पंजाब केसरी टीवी।